तो एम्स बीएससी और नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा एम्स के विभिन्न कॉलेजों में। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये आप हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो पेपर आप या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के जितने प्रमुख शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर है वो होता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो कोर्स है, मतलब कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दिल्ली एनसीआर जो सेंटर है वहीं पर होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम मोड क्या रहता है। तो 2024 का ये आप देख पा रहे होंगे प्रॉस्पेक्टस से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली ऑनलाइन मोड। तो एग्ज़ामिनेशन जो है ये केवल ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि MCQs देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, एक पेपर होता है 2 घंटे का, ठीक है। 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। किन किन विषयों से होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और GK, इन 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 30, बायोलॉजी से 30 और GK से 10 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। देखिए अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें और उस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 50% मार्क्स लें। तो अगर आप एक UR या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 50% लाने होंगे। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45% और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40%, मतलब कि कम से कम इतने लाने होंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ज़रूर ले जाने हैं। एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा इसको भी आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ में उनका फोटोकॉपी भी सेट बना करके ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम।